और फिर एक बार 7 2 लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 4
इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बन सकता। तो 3 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 6 नंबर बना सकते हैं अगर नंबर बिग नहीं करने हो तो। ठीक है, याद है आपको समझ में। इसका एक और क्वेश्चन मैं बी वाला पार्ट का आपको सॉल्व करा देता हूं, इसका सी वाला और डी वाला पार्ट जो बाद में सॉल्व। इसमें नंबर है हमारे पास 3 6 एंड 8, तो हम सबसे पहले 3 के साथ 6 और 8 ले लेंगे, फिर 3 के साथ इस नंबर को रिवर्स करेंगे 86 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर हो गया। फिर इसके बाद हम 6 के साथ में 38 ले लेंगे, फिर हम 6 के साथ में 8 और 3 ले लेंगे, ऐसे ही हम 8 के साथ में 3 और 6 ले लेंगे, और हम लास्ट में 8 के साथ में 6 और 3 ले लेंगे। तो इस टाइप से आप नंबर्स को बना सकते हैं। तरीके से इस मेथड से बनाओगे तो आपको इजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के मैंने ए बी वाले पार्ट करवा दिए हैं और सी और डी वाले पार्ट आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपको रेगुलर पूछना ही होगा, है ना, इस बार से होमवर्क कंपलसरी हो चुका है सभी के लिए। चलो अब इसमें क्वेश्चन नंबर इसका एक और पार्ट है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अबव, ये आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं, राइट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट, जिसमें 3 अलग अलग डिजिट का यूज। तो अब हमको पता है डिजिट कितनी होती है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने पहले बता दिया केवल यही डिजिट होती है। तो इससे हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। अब और हम 3 डिजिट का यूज कर सकते हैं, अब सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटी 3 डिजिट ले लो, क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। इससे हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है सबसे छोटा, तो हम 6 ब्लैक बना देते हैं, 6 ब्लैक हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2, फिर उससे छोटा नंबर क्या है, 1, फिर उससे छोटा नंबर क्या है, 0, और जो सबसे छोटा नंबर है वो 5.5। तो ये सबसे छोटा नंबर बन गया 6 डिजिट का, और इसमें देखो 3 अलग अलग तरह के डिजिट हमने यूज किए, 2 भी यूज किया है, 1 भी यूज किया है, 0 भी यूज किया है। तो ये जो इस नंबर को काउंट करना है एंड नाम देना भी आना चाहिए, 1 10 100 10,000 10,000 8, तो 2 10 10,000 हो रहा है ये आपका। अब यहाँ से कॉमन लगा के इसमें देख सकते हो, ठीक है, तो इस टाइप से आपने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। अब हमको सबसे बड़ा नंबर लिखना है 7 डिजिट का, और उसमें हमको सबसे जो बड़ा नंबर है उसको यूज करना है ना, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, बना देते हैं। तो अब हम सबसे पहले 4 बड़े नंबर्स ले लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 6 7 8 और 9, इन नंबर्स का यूज करें। ठीक है, हमको 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देखते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा सबसे बड़ा नंबर, राइट, उसको लिख देंगे हम, कितनी बार लिखते हैं हम, जो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बार इसमें लिखा है तो 3 नंबर बचे, 3 नंबर को भी देखना है हमको, तो इसके लिए यहाँ पर हम जगह छोड़ेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए 1, फिर उससे छोटा नंबर क्या है 7, फिर उससे छोटा नंबर क्या है 6, तो ये जो नंबर है अब इसको आप नाम दे सकते हो, तो ये हो जाएगा 99,99,876। तो ये हमने 7 डिजिट का एक सबसे बड़ा नंबर बता दिया है, जिसमें हमने 4 डिफरेंट से 6 7 8 और 9 का यूज किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो अभी आपको नहीं करना है, 7 भी नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको लिखा होगा शिफ्ट द डिजिट 4 टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड कंपेयर द न्यू नंबर विद द ओरिजिनल नंबर। मतलब आपको जो डिजिट लिखी हुई है उस 4 नंबर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, हम कर देते हैं, जैसे हमारा पहला जो है वो है 3 7 4 2। ठीक है, हमने इसको लिखा, अब इसको लेफ्ट की तरफ, अब आपको पता होना चाहिए बेटा ये वाली साइड जो है वो राइट साइड है, ये वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड है, तो आप इस 4 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब ये 4 शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो 3 4, अब ये अगर ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा 7,
जो होता है ग्रेटर देन का, ये वो सुपर एलएस देन। मैं आपको एक और बार सिंपल तरीके वो बताया था मैंने लास्ट क्लास में बताया कि जिस तरह माउथ ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है। Thank you.